सो हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। सो भाई लोगों, आज के इस वीडियो में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं पोको X4 प्रो का रियलमी 9 स्पीड एडिशन के साथ में। और यहाँ पे भाई लोगों, इनके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लगभग सेम ही प्राइस है इनकी। और यहाँ पे अपन देखेंगे कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है और साथ में कौन अच्छी गेमिंग करवा के देता है अपने को, ये वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई लोगों, अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं प्राइस से। तो जो पोको X4 प्रो है, इसका जो बेस्ट वेरियंट है 6 GB RAM 64 GB स्टोरेज वाला, उसका प्राइस है 18,999 रुपए। और यहाँ पे 6 128 GB स्टोरेज वाला भी वेरिएंट है का, तो उसका प्राइस आ जाता है 19,999 रुपए। और यहाँ पे 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज वाला, उसका प्राइस है 21,999 रुपए। और भाई लोग, यहाँ पे ना ऑफर भी अवेलेबल है फोन पे, तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और भाई लोगों, वही बात करें अपन रियलमी 9 AC की, तो यहाँ पे 6 GB RAM और 128 GB वाला बेस वेरियंट है, यहाँ पे 64 GB वाला नहीं बनाया गया, तो एक अच्छी बात है। तो और इसका प्राइस आता है 19,999 रुपए। और यहाँ पे 8 128 है, तो उसका प्राइस है 22,999। और भाई लोगों, रियलमी 9 AC पे HDFC बैंक के ऑफर चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये फोन आपको 18,000 रुपए तक मिल जाएगा। और भाई लोग, यहाँ पे अपन नॉर्मल प्राइस देखिए दोनों फोन की, तो यहाँ पे जो रियलमी 9 AC का 6 128 वाला और पोको का 6 128 वाले का प्राइस लगभग सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं, 19,999 मिल रहा है दोनों। और पोको में वो जो बेस वेरियंट है 64 GB स्टोरेज वाला, उसका प्राइस इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग प्राइस सेम ही है। और भाई लोगों, अपन बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पे दोनों फोन का डिजाइन अच्छा लगता है, दोनों ही पॉलीकार्बोनेट से बने हैं। पर पोको X4 प्रो में यहाँ पे ग्लास बैक मिलता है और रियलमी 9 AC में नहीं मिलता। और यहाँ पे भाई लोगों, पोको X4 प्रो को देखते हैं, तो यहाँ पे पोको M4 की याद आती थोड़ी, और इसका डिजाइन मतलब उतना खास नहीं लगता, बस एक ग्लास बैक है इसलिए थोड़ा प्रीमियम फील होता है। और वहीं पे रियलमी 9 AC का डिजाइन भाई मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, इसका जो स्टेरिक ग्लो वाला कलर है बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा व्हाइट टाइप है, और उस पर जब सनलाइट वगैरह गिरती है ना, तो कुछ ऐसा पैटर्न बनता है इस पे। और यहाँ पे पोको X4 प्रो में 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड येलो। और रियलमी 9 AC में 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, एजुर ग्लो और स्टेरिक ग्लो। और यहाँ पे बात करें अपन डिस्प्ले की, तो पोको X4 प्रो में 6.6 इंच की FSD+ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आती है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। और यहाँ पे 360Hz का टच असेंबलिंग रेट भी मिलता है, और यहाँ पे 1200 nits की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है, तो डायरेक्ट सनलाइट में भी आप फोन यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। और वही बात करें अपन रियलमी 9 AC की, तो यहाँ पे 6.6 इंच की FSD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि आती है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। और यहाँ पे 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, और यहाँ पे 600 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, और यहाँ पे पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। तो भाई लोगों, यहाँ पे आप डिस्प्ले में क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे पोको X4 प्रो की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, और एमोलेड डिस्प्ले और LCD डिस्प्ले में भाई बहुत फर्क होता है। और यहाँ पे अपने को टच सैम्पलिंग रेट भी ज्यादा मिलता है 360Hz का। और यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो ज्यादा है, यहाँ पे 1200 nits की पिक ब्राइटनेस मिलती है, तो और रियलमी 9 AC को देखें तो यहाँ पे 600 nits की मिलती है, मतलब 50% हो जाती है रियलमी 9 AC में। तो नो डाउट कंटेंट वॉचिंग में आपको जो मजा आए ना, वो पोको X4 प्रो पे ज्यादा आए। और बात करें अपन कैमरे की, तो पोको X4 प्रो में 64 MP का मेन सेंसर मिल जाता है, जो कि आता है सैमसंग का। और यहाँ पे 8 MP का वाइड एंगल, और यहाँ पे 2 MP का मैक्रो शॉट के लिए, और यहाँ पे फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पे आप फ्रंट और रेयर दोनों कैमरे से 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और वहीं पे रियलमी 9 AC में 48 MP का मेन सेंसर मिल जाता है, जो कि आता है सैमसंग का। यहाँ पे 2 MP का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस, और यहाँ पे 2 MP का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और यहाँ पे फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पे सोनी का सेंसर यूज किया गया। और बात करें अपन वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आप रेयर कैमरे से 4K 8 30fps और 1080p 8 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पे फ्रंट कैमरे से आप 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पे दोनों फोन के कैमरे अपने को अच्छे मिल जाते हैं, पर जो यहाँ पे मेन सेंसर है ना दोनों फोन के, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं मानता हूँ कि भाई मेगापिक्सल में डिफरेंस है, पर यहाँ पे जो सेंसर है ना वो सैमसंग की यूज किए गए, तो यहाँ पे भाई दोनों फोन की फोटो बहुत बढ़िया आएगी। बस यहाँ पे रियलमी 9 AC में एक दिक्कत है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट लेंस मिल जाता है, पर यहाँ पे पोको में अपने को 8 MP का वाइड एंगल मिलता है, तो ये बढ़िया चीज की गई है पोको में। पर भाई लोगों, पोको में फिर दूसरी चीज खराब ये है कि यहाँ पे अपने को वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि रियलमी 9 में AC में अपने को रियर कैमरे से 4K पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो भाई लोग, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई कैमरा में दोनों में ही थोड़ी थोड़ी कमियां है, जब पोको में अपने को 4K का ऑप्शन नहीं मिलता, वहीं पे रियलमी 9 AC में भाई मेगापिक्सल भी कम करा, और साथ में यहाँ पे अपने को वाइड एंगल नहीं मिलता है, तो ये आप देख सकते हो कि आपको किसके तरफ जाना है। और भाई लोगों, अपन बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे दोनों फोन को पावर देते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर, और पोको X4 प्रो में यहाँ पे मिल जाता है अपने को स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी भी बनाए, तो मतलब बैटरी कम
कंज्यूम करेगा। और रियलमी 9 SE में अपने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर, ये भी 6 nm टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, कम बैटरी कंज्यूम करेगा ये भी। और यहाँ पे बात करें अपन 695 की, तो भाई लोग ये अच्छा प्रोसेसर है ना। और इसका जो अंतुतु स्कोर आता है ना 380,000 के समथिंग आता है। और पबजी में अगर आप ग्राफिक सेटिंग्स की बात करोगे तो आपको स्मूथ पे अल्ट्रा यानी 40 FPS की गेमिंग करवा के देता है। और अपन बात करें इस नंबर 778G प्रोसेसर के, भाई लोगों ये मस्त प्रोसेसर मेरे को अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे ये IQ Z5 में भी आया था, तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल के दिया था इसमें। और उसके बाद ये GT Master Edition में भी यूज हुआ था। और अपन अगर अंतुतु की तरफ चले तो इसका जो अंतुतु स्कोर है वो मतलब 540,000 के ऊपर आता है। और यहाँ पे पबजी की ग्राफिक सेटिंग्स की बात कर ले तो यहाँ पे स्मूथ पे एक्सट्रीम का फ्रेम रेट मिलेगा आपको, यानी स्मूथ पे आप 60 FPS की अच्छी गेमिंग कर पाओगे। और भाई लोगों ये 778G प्रोसेसर है भाई, मस्त प्रोसेसर है। मैंने देखा है IQ Z5 में क्या ही तगड़ा इसने परफॉर्मेंस निकाल के दिया था, एकदम 60 FPS चिपक के देता है, ज्यादा ड्रॉप भी नहीं होते हैं। और आप भले नॉर्मल यूज करो या हैवी टास्क वगैरह करो, आप वीडियो एडिटिंग करो, उसको वीडियो को एक्सपोर्ट करना आपको वो करो, सब काम ये अच्छे से आपको करा के देगा, आपको उसमें कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। जबकि 695 आपको कभी कभार लैग दे सकता है ये चीजों में। और बात करें अदर फीचर्स की, तो यहाँ पे दोनों ही फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, पर पोको XO प्रो में यहाँ पे 67 W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि Realme 9 SE में यहाँ पे 33 W की ही फास्ट चार्जिंग मिलती है। पोको XO प्रो में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 और वाईफाई 5 मिलता है, और Realme 9 SE में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 और वाईफाई 6 मिलता है। और यहाँ पे दोनों ही फोन में LPDDR4X रैम मिल जाती है और UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। और यहाँ पे दोनों ही फोन 5G को सपोर्ट करते हैं, तो पोको XO प्रो में 5G के 7 बैंड्स मिलते हैं और Realme 9 SE में 5G के 5 बैंड्स मिलते हैं। पोको XO प्रो में यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है और Realme 9 SE में डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है। और यहाँ पे दोनों फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और यहाँ पे पोको XO प्रो में डुअल स्पीकर मिलते हैं और Realme 9 SE में सिंगल स्पीकर मिलता है यानी मोनो स्पीकर। और यहाँ पे दोनों फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो भाई लोग यहाँ पे मैं बोलूंगा कि दोनों फोन एक दूसरे के टक्कर के, पर यहाँ पे पोको X4 प्रो है ना वो हर चीज में कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है हर बार, क्योंकि इसमें ना हर चीज अच्छी है। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले भी अच्छी मिलती है अपने को, यहाँ पे अपने को कैमरा भी अच्छा मिलता है, यहाँ पे डुअल स्पीकर मिल रहे हैं और यहाँ पे 5G के ज्यादा बैंड्स भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे अपने को फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है, बस यहाँ पे कमी पता है दो चीज में रह गई, यहाँ पे ना वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन कम है और दूसरी चीज यहाँ पे ना जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम मिल रही है। वहीं पे भाई लोगों Realme 9 SE में कमियां ज्यादा है पर ये अच्छी गेमिंग करा के देता है। तो पोको X4 प्रो उन लोगों को लेना चाहिए जिनको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, जिसका कैमरा डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग वगैरह 5G वगैरह सब हो, और जो मतलब थोड़ी बहुत गेमिंग भी करा दे, तो पोको X4 प्रो आपके लिए है। और भाई लोगों यहाँ पे आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हो 60 FPS की और आपको कैमरे और डिस्प्ले से उतना फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आपको Realme 9 SE की तरफ जाना चाहिए। सो भाई लोगों ये था मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।